अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने वेब पेज पे फॉर्म्स क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेब पेज के लिए फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे हमें अपने यूज़र से डेटा इनपुट लेना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करते हैं, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने घर का एड्रेस देते हैं, अपना नेम देते हैं, अपना जो है सेल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, जो भी हमें वट एवर उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम लोग उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो एक्चुअली वो हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हुआ होता है जिसमें हम लोग अपना ये डेटा इंसर्ट करते हैं एंड देन हम वो उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करके हमारा डेटा इनपुट ले रहे होते हैं। तो ये वो हमारी यहाँ पे कुछ इस तरह के और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करके डेटा यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने फॉर्म्स में डेटा इंसर्ट करते हैं, उसके सिंपल टैप्स देखेंगे कि सिंपल टैप्स कौन कौन से हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक HTML को ऑलरेडी पेज सिंपल सा क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें हम लोगों ने HTML और हेड एंड देन बॉडी क्रिएट की हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात मालूम है कि हेड और बॉडी हमारे पास वो पार्ट्स हैं, वो टैग्स हैं जो किसी भी HTML के बेसिक पार्ट्स होते हैं, बेसिक टैग्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात भी मालूम है कि हम लोग हैं अपनी बॉडी में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें अपना काम करना होता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो हम मोस्टली बॉडी में ही काम कर रहे हैं, बॉडी टैग्स में। तो यहाँ पे चूंकि हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है तो मैंने फॉर्म का टैग क्रिएट कर लिया है। फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अपना एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है जिसमें मैं अपना नेम शो करूँ कि मेरा फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो उसके लिए मैं एक टैब यूज करूंगी, फर्स्ट नेम मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया। मैं इसमें से स्टूडेंट एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ तो इसलिए मेरी इनपुट टाइप जो होगी, इनपुट टाइप वो क्या हो जाएगी, टेक्स्ट होगी। तो ये मैंने अपनी टेक्स्ट टाइप इसमें क्रिएट कर ली। तो मैं इसमें अपनी वैल्यू क्या देना चाह रही हूँ, मैं अपनी वैल्यू देना चाह रही हूँ नेम की। नेम मेरा क्या होगा, फर्स्ट एंड देन नेम, ये मेरी वैल्यू हो गई। एंड देन हम लोग इसमें मैंने जो अपना इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी थी वो मैंने क्रिएट कर ली एंड देन मैं अपने टैब को क्लोज कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वो मेथड है जिसके थ्रू मैं अपना एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसने ये क्रिएट कर लिया एंड देन मैं इसको ओपन करती हूँ एंड देन आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा एक बॉक्स है फर्स्ट नेम का जो मैंने क्रिएट किया है वो एक बॉक्स क्रिएट हो गया। तो ये मेरा एक इनबॉक्स बॉक्स है जिसमें मैं अपना डेटा इनपुट ले सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट नेम है तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये वो मेथड है स्टूडेंट्स जिसमें हम लोग अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या है। ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया, देन मैं इसमें अपना लास्ट नेम ऐड कर रही हूँ। लास्ट नेम यही एट्रीब्यूट यूज करेंगे कि मेरा इनपुट डेटा टाइप है और इसमें मेरे टेक्स्ट हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें अपनी वैल्यू मैं इंसर्ट कर रही हूँ। मेरा वैल्यू है फर्स्ट, अब हो गई लास्ट नेम, लास्ट टाइम मैंने इंसर्ट कर दिया एंड देन मैं अपना टैब क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वो मेथड है, देखिए ये मेरे आपका फर्स्ट नेम एंड दिस इज मेरा लास्ट नेम। ठीक है, ये वो मेथड है जिसकी मैं हम लोग फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे एंड देन मेरा लास्ट नेम। तो ये वो मेथड है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू मैंने अपना क्रिएट कर लिया अपना टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैंने अपनी वैल्यू इंसर्ट कर दी। इसी तरह से हम फर्दर इसमें टैग्स अपने मजीद फर्दर अपने बॉक्सेस इंक्लूड कर सकते हैं कि मुझे कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे अपना एड्रेस रिक्वायरमेंट है या वट एवर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। तो आगे इसमें हम लोग फर्दर अगर एट्रीब्यूट देखें तो आप स्टूडेंट्स ये चीज देख सकते हैं कि मेरे दोनों एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम भी। मुझे अगर इनको सेपरेट करना है तो मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक का एक टैब ऐड करना होगा। तो ये मैंने टैब ऐड कर दिया लाइन ब्रेक का, तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट लाइन में अब शो हो रहा है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेरे पास दो लाइंस में शो हो रहा है। देन मैं फर्दर अगर इसमें कुछ एट्रीब्यूट यूज करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसके जो हमारे पास ये बॉक्स है स्टूडेंट्स इसका मैं एक फिक्स साइज डिफाइन करना चाह रही हूँ कि ये एक फिक्स साइज पे शो हो। तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगी साइज का, तो इसमें साइज मैं बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा साइज 10 हो बॉक्स का, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा डिफरेंस आएगा कि ये बॉक्स मेरा इस बॉक्स के साइज में 10, इसका आप साइज 10 है और इसका बाई डिफॉल्ट साइज डिफाइन जो हुआ हुआ है बैकएंड पे वो आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने बॉक्सेस का साइज चेंज कर सकती हूँ। एंड देन अगर मैं इसमें फर्दर मजीद मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, मजीद अगर मैं इसमें एट्रीब्यूट यूज करना चाहूँ तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ का।
मैक्स लेंथ वो स्टूडेंट्स चीज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट कर रही हूँ तो मैं इसमें अपना डेटा इंसर्ट करती ही चली जा रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DHA सोफा यूनिवर्सिटी, तो एक मैं इसमें एडिशन करती ही जा रही हूँ एंड देन मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर SCINC साइंस डिपार्टमेंट. तो आप देख सकते हैं ये मेरा पास एक बाय डिफॉल्ट जो है इसमें कोई लेंथ डिफाइन नहीं है कि कितनी लेंथ इसमें मैं डिफाइन करूं. तो मैं यहां पे अपनी लेंथ डिफाइन कर सकती हूं बाय यूजिंग मैक्स लेंथ अपने एट्रीब्यूट के थ्रू, जिसके थ्रू मैं ये डिफाइन कर सकती हूं. मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे मैक्सिमम जो लेंथ है वो मेरी 5 है. मैं 5 से ज्यादा अपना डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है. 5 डिजिट्स या 5 व्हाटएवर जो भी हमारी एक होगी वो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. तो 5 से ज्यादा मैं अपना डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. देन आप यहाँ पे आप इसको देख सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मेरा फर्स्ट नेम है, मैं अपना नेम लिख देती हूँ नेम आसमा एंड देन अगर मैं डबल ए यूज करके एंड में एक ए और लगाया देन मैं इसके फर्दर जो भी एड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें फर्दर एड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसकी लेंथ ही डिफाइन कर दी कि ये 15 डिजिट तक ही वर्क करेगा. स्टूडेंट ये हम लोग वहां यूज करते हैं जहां हमें कुछ लेंथ डिफाइन हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा NIC है. NIC की एक फिक्स लेंथ होती है कि हमारे 13 डिजिट तक ही हमारा NIC है. तो वहां पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक और टैब एड करूँ इसके नीचे BR ब्रेक मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे अपने यूजर से NIC लेना चाह रही हूँ, ठीक है. तो वो अपना NIC करे एंड देन इनपुट डेटा उसका खोजेगा. इनपुट टाइप हमारे पास क्या होगी, अगेन हम लोग इसको टेक्स्ट ही ले रहे हैं, टेक्स्ट हो गई एंड देन हम लोग इसमें नेम कर रहे हैं अपना NIC एंड देन हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका साइज कर देते हैं. मैक्स लेंथ हम लोग यूज करते हैं NGTH मैक्स लेंथ हमारे पास होगी 13. तो ये वो एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना यहाँ पे हमारे पास NIC क्रिएट हो गया. NIC में हम लोग अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 एंड देन 4 ये हमारे पास टोटल 13 डिजिट्स हो गए. एंड देन मैं इस 13 के बाद अपना कुछ भी ऐड करूंगी तो वो ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने NIC एक लेंथ है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन हुई होती है प्रीवियसली कि ये 13 डिजिट, तो हमने इस तरह से कुछ जगहों पे इसको फिक्स कर देते हैं तो ये वहां हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं. एंड देन अगर हम लोग फर्दर मूव करेंगे हमारे पास एक एट्रीब्यूट और यूज किया जाता है. अगर मैं इसका फिर वक्त मैक्स लेंथ को रिमूव कर दूं एंड देन साइज को भी रिमूव कर दूं, यहीं पे मैं एक एट्रीब्यूट और यूज करके आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का. प्लेस होल्डर हमारे पास वो एट्रीब्यूट होता है जो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन हुआ होता है पहले से. मैं इसके अंदर अपना नेम लिख देती हूँ FIRST फर्स्ट नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है. तो ये स्टूडेंट देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम हमारे पास थोड़ा सा ग्रे कलर में आ रहा है, थोड़ा सा लाइटिश कलर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अगर जैसे मैं इसके ऊपर अपना नाम लिखूंगी तो ये हाइड हो जाएगा. तो ये कुछ बॉक्सेस में हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफाइन होगा कि अगर हमें ये अपनी स्पेस बचानी है तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि ये मेरा है फर्स्ट नेम. मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और मैं इस स्पेस को बचाना चाहूँ तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, ये इस स्पेस को मैं बचाना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना एट्रीब्यूट यूज कर देती हूँ प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा लास्ट नेम, ठीक. तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि ये बता रहा है कि इस बॉक्स में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और इस बॉक्स में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है. जैसे फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक किया तो मेरा फर्स्ट नेम आ गया एंड देन जैसे मैंने अपना लास्ट नेम शो किया तो मेरा लास्ट नेम यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पे मेरा NIC, अगर आप इसी तरह से चाहते हैं NIC को भी आप कर सकते हैं कि इसमें प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं. तो ये वो सिंपल एट्रीब्यूट थे स्टूडेंट जिसके थ्रू हम लोग अपना एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने आपको बताए कि कौन से एट्रीब्यूट हैं जो हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं. ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.